हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग 10th क्लास के मैथ्स में एक्सरसाइज 4D कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये लास्ट एक्सरसाइज ही है आपकी, इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस से अब कट गई है, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स वाली। तो इसमें हम 13 क्वेश्चन देख चुके थे, अब मैं आपको 14 क्वेश्चन एक बता रहा हूँ, ठीक है, उसको देखेंगे ध्यान से। तो इसमें लिखा है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² + 2 mcx + c² - a² हैज इक्वल रूट्स, प्रूव दैट दिस। देखिए आपसे बोला गया है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, और मैंने आपको बताया था इक्वल रूट्स जब होते हैं तो आपका जो डी जो होता है, ठीक है ना, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो आपका क्या होता है, इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना। आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधे बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है इसके अंदर, उसको आप ज़ीरो की इक्वल पुट करेंगे तो आपका आंसर जो दिया है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आप इसमें देखेंगे a = है आपका x² का कोफिशियंट यानी 1 + m², b = है यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट यानी 2mc, और सी है यहाँ पे, इसको कैपिटल सी बना लीजिए आप, इसको कैपिटल बी बना लीजिए, इसको कैपिटल ए बना लीजिए, तो यहाँ कैपिटल ए बी और ये कैपिटल सी हो जाएगा, तो ये कैपिटल सी कर लेते हैं, ये c² - a², ये स्मॉल हो गया आपका, ठीक है, तो डिफरेंस हो जाएगा इससे। अब आपको लिखना है फॉर इक्वल रूट्स, we know that b² यानी कैपिटल लेते हैं b² - 4ac = 0। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिए b² का मतलब क्या है, 2mc² - 4 × 1 + m² और c की जगह c² - a² = 0, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको c² लाना है, यानी c² को आपको एक तरफ रखना है, बाकी सारे एक तरफ रखने हैं, तो इसमें आप देखेंगे ये हो जाएगा 4m² c², ठीक है, माइनस, देखिए इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का बाद में कर लेते हैं, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा c², c का इसमें करेंगे प्लस का m² c², a² का 1 में करेंगे तो माइनस का a² और a² का m² करेंगे तो माइनस का m² a², ठीक है, = 0। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करने से बेटर ये है कि 4 को कॉमन लेके 0 में आप कर दीजिए, तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा m² c². देखिए ये माइनस है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो सबके साइन आपके चेंज हो जाएंगे, तो ये बचेगा माइनस का c², ये हो जाएगा माइनस m² c², ये हो जाएगा प्लस का a² और ये हो जाएगा प्लस का m² a² = 0। अब ये तो 4 0 में चला जाएगा, अब आप देखेंगे m² c² कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा माइनस का c² प्लस का a² और प्लस का m² a² = 0, क्योंकि 4 तो आपका 0 में चला गया। अब आपको लाना है c², तो c² को आप इधर ले जाइए और यहाँ पे से आपको a कॉमन दिखा, a स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + m² = यहाँ c² क्या हो जाएगा, इसको आप पलट के लिख दीजिए a² 1 + m², यही आपको प्रूफ करना था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, 22, बाकी सारे क्वेश्चन इसके अंदर एक जैसे हैं। इसमें लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + 2bx + c = 0 एंड bx² - 2√axc(x + b) = 0 आर साइमल्टेनियसली रियल, देन प्रूव दैट b² = ac। तो आपसे बोला गया है कि साइमल्टेनियसली रियल हैं दोनों के रूट, और आपको ये पता है कि साइमल्टेनियसली रियल होते हैं तो आपका b² - 4ac > या = 0 होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे ax² + 2bx + c = 0, ठीक है ना, कंपेयर करेंगे इसको ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो कैपिटल ए इक्वल टू ए स्मॉल ए, कैपिटल बी इक्वल टू टू बी और कैपिटल सी इक्वल टू सी। ठीक है, ऐसे यहाँ रख लीजिए, ये वाली क्वेश्चन को ले लीजिए, माइनस टू रूट ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका कंपेरिजन भी करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप देखेंगे कैपिटल ए इज टू स्मॉल बी और कैपिटल बी इज टू माइनस के टू रूट के अंदर ए सी और कैपिटल सी इज टू बी। ठीक है ना। चलिए अब आपको पता है फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल ज़ीरो, ये होता है। और यहाँ पर भी यही चीज़ लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टू बी, तो टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू है ए और सी की वैल्यू है सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर देखेंगे तो बी की वैल्यू है माइनस के टू रूट के अंदर ए सी का स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह बी और सी की जगह भी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। फोर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, सॉरी ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ए सी को उधर ले जाइए तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सॉरी ए सी। यहाँ से निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा ये हो जाएगा फोर रूट कट जाएगा ए सी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस फोर बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। फोर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और ये भी यही आ जाएगा बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ए सी। तो दोनों इक्वेशन से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल ए सी है। तो इक्वल है, इससे भी इक्वल आ रहा है, तो लिख सकते हैं आप एनहेंस इक्वेशन वन एंड टू से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू ए सी। बस इतना आपको करना। ठीक है, तो देखिए आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके मिसलेनियस क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको करने हैं, ये आप एक्सरसाइज जो लास्ट दे रखी है वर्ड प्रॉब्लम वाली वो ना करें, आपके एग्ज़ाम पर नहीं आएगी। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस हो गई है इस साल के 2021 के सिलेबस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक जो है सीरीज़ आपकी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।